हरदा जिले के ग्राम मसन गांव में नदी पर घाट की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन नागरिकों की समस्या पर अब तक ध्यान नहीं दे रहा है। नागरिकों का कहना है कि नदी पर घाट होना चाहिए, क्योंकि गणेश उत्सव या नवरात्रि या फिर गणगौर पर्व या अन्य कोई उत्सव, हर बार यहाँ नागरिकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर गणेश उत्सव और नवरात्रि गणगौर विसर्जन पर्व के दौरान जवारे तथा अन्य विसर्जन कार्य के लिए ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानी होती है। यहाँ अगर घाट बन जाता है तो ग्रामीणों को परेशानी से निजात मिल जाएगी। इस मामले में जब हमने सरपंच योगेश पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने प्रस्ताव पास करा लिया है, अब जल्द निर्माण कार्य कराया जाएगा। ये नदी मोहल्ले में घाट बनवाने की मांग कर रहे थे और एक नाली जो फूट गई थी, टूट गई, उसको भी अभी किया नहीं है, तो उसी के लिए मांग कर रहे थे। और बहुत दिन, बहुत अरसे से अभी काम हुआ नहीं उसका। कई सरपंच आए और कई चले गए, किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया अभी। और हमारी बहुत दिन से मांग है कि वहाँ घाट बन जाए और साफ़ सुथरी जगह रहेगी। वहाँ पे क्या कचरा कूड़ा सब लगा देते हैं, तो नदी में जाने के लिए बहुत परेशानी रहती है। अब वैसे भी पानी की कमी, तो नदी में जाने के लिए रास्ता होना। सरपंच साहब, ये ग्रामीणों ने घाट की मांग रखी है। हाँ, हमारे यहाँ नदी पे एक लोहार घाट है, उसको बनना बहुत अनिवार्य है। क्या काफ़ी दिनों से चल रहा है, वहाँ लोग कचरा फेंकते थे, अभी मैंने JBC से उसको सफा कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मध में जैसा भी पैसा आता है, या तो कहीं विधायक जी मिल जाए या जहाँ से भी मिल जाए, और नहीं तो पंचायत स्तर से हम हमारे फंड से करवाएंगे, वो बन जाएगा, तो थोड़ा सा सभी ग्रामीणों के लिए। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।